हेलो एवरीवन, दिस इज आर के वर्मा एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू साइंस मैसेंजर। टुडे वी आर रेडी टू डिस्कस अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल दैट इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर विच इज वेरी वेल नोन टू अस एंड वी आर यूजिंग दिस केमिकल फ्रॉम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट्स केमिकल फार्मूला, इट्स प्रिपरेशन, इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स यूजेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर है क्या। ब्लीचिंग पाउडर को केमिकली हम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी कहते हैं और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है क्लोराइड ऑफ लाइम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्लोराइड ऑफ लाइम किस केमिकल को बोला जाता है, तो वो है ब्लीचिंग पाउडर। इसके तीन नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एंड क्लोराइड ऑफ लाइम। अब इसके केमिकल फार्मूले की बात कर लेते हैं। इसका केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2 या इसी को हम CaClOCl भी लिखते हैं, CaOCl2 और CaClOCl। अब इसके प्रिपरेशन के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए। किन किन मटेरियल से हम इसको बनाएंगे, तो सबसे पहला रॉ मटेरियल है हमारा क्लोरीन गैस, दूसरा रॉ मटेरियल है ड्राई स्लेक्ड लाइम मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम, जो कि क्विक लाइम पर CaO, क्विक लाइम CaO को हम बोलते हैं क्विक लाइम, इस पर वाटर का रिएक्शन करा के हम बनाते हैं स्लेक्ड लाइम। अब ये क्लोरीन गैस और स्लेक्ड लाइम हमें मिलता कहाँ से है, क्विक लाइम पर हम वाटर का रिएक्शन करके बना लेते हैं स्लेक्ड लाइम। और ये क्लोरीन गैस हमने इसके पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, क्लोर एल्कली प्रोसेस से फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH, और क्लोर एल्कली प्रोसेस को हम नेल्सन सेल के अंदर हमने NaOH बनाया था। उसमें हमने देखा था कि एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस से निकलने वाली क्लोरीन गैस जिसमें हम ब्राइन सोल्यूशन यूज करते हैं, तो जनरली हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन से जो क्लोरीन गैस जनरेट होती है उसमें हम ब्राइन सोल्यूशन यानी कि स्ट्रांग सोल्यूशन ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो ये क्लोरीन गैस हम कहाँ से लेते हैं, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन, वहाँ पर एनोड पर जो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है उसको हम लेते हैं, उसी क्लोरीन गैस का हम रिएक्शन कराते हैं ड्राई स्लेक्ड लाइम पर। तो हमारा रिएक्शन हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 इक्वल टू CaOCl2 प्लस H2O। CaOCl2 को हम CaClOCl भी लिखते हैं, तो इसको इस तरह से भी CaClOCl इस फार्म में भी लिखते हैं। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने साल्ट के केस में पढ़ा था। ये ब्लीचिंग पाउडर एक मिक्स्ड साल्ट भी है, मिक्स्ड साल्ट क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा था यहाँ पर Cl- OCl- ये Ca++, तो ऐसा साल्ट जिसमें कम से कम दो पॉजिटिव आयन या दो नेगेटिव, दो कैटायन या दो एनायन ऐसे हों जो कि हाइड्रोजन आयन या OH आयन के अलावा, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड साल्ट, तो एक मिक्स्ड साल्ट भी है। अब हम बनाते कैसे हैं, देखिए इसमें ये एक प्लांट है, इसको हम कहते हैं हेसन क्लेबर्स प्लांट या हेसन क्लेबर मेथड। दो मेथड से ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है, हेसन क्लेबर मेथड और दूसरा है बैकमैन्स मेथड। तो बैकमैन प्लांट या हेसन क्लेबर प्लांट, इस पूरे सिस्टम को प्लांट कहते हैं। तो हेसन क्लेबर मेथड और बैकमैन दो तरीके से बनाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट हेसन क्लेबर मेथड, इससे कैसे बनाते हैं, ये देखिए एक प्लांट बना हुआ है। यहाँ पर ये जो लंबे लंबे सिलेंडर हैं ये कास्ट आयरन के कंटेनर हैं, सिलेंडर की तरह ये कास्ट आयरन के कंटेनर हैं। इनके बीच से देखिए ये ट्यूब गई है ये, और इसके ऊपर यहाँ पर लगा है ब्लेड्स, ये ब्लेड है ब्लेड, और ये जो सैफ्ट लगा है सैफ्ट, ये है सैफ्ट, सैफ्ट के ऊपर ब्लेड लगी है और ये सैफ्ट रोटेट करते हैं, इनको ऐसे घुमाया जाता है। जब हम इनको घुमाते हैं तो इनके साथ ये सैफ्ट घूमता तो ये ब्लेड भी घूमती है। अब ये देखिए ये यहाँ पर जो सैफ्ट के अंदर स्पेस है इसमें हम क्लोरीन गैस फ्लो करते हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और ऊपर से देखिए ऊपर से यहाँ पर यहाँ से डाला जाता है स्लेक्ड लाइम, यहाँ से हम स्लेक्ड लाइम डालेंगे। जब ये सैफ्ट को घुमाएंगे तो ये अंदर आएगा और ये ब्लेड के द्वारा ऐसे
मिलते हुए नीचे आएगा और हर एक जो कंटेनर है कास्ट आयरन का जो कंटेनर है देखिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से सिलेक्ट लाइम यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और सब में ये क्लोरीन गैस यहाँ से फ्लो की जाएगी, यहाँ से भी Cl2, यहाँ से भी Cl2, यहाँ से भी Cl2। तो ये Cl2 सिलेक्ट लाइम से मिलेगी और सिलेक्ट लाइम से मिलेगी Cl2 तो बनाएगा ब्लीचिंग पाउडर, और ये ब्लीचिंग पाउडर आकर यहाँ नीचे इस कंटेनर में यहाँ पर ये इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वेस्ट गैसेज भी इस रिएक्शन में बनती हैं वो यहाँ से देखिए ये एक आउटलेट है, यहाँ से ऊपर निकल जाती हैं। तो ये है ओवरऑल प्लांट जिसके द्वारा हम ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करते हैं। ये है हेसन क्लेवर प्लांट, पूरा सिस्टम को बोलते हैं हेसन क्लेवर प्लांट और इस मेथड को बोलते हैं हेसन क्लेवर मेथड। एक दूसरा तरीका भी है बैकमैन मेथड, इसके द्वारा भी ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। अब देख लेते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर के यूजेज क्या हैं। ब्लीचिंग पाउडर वास्ट वैरायटी ऑफ यूजेज रखता है। पहला हम देखते हैं ब्लीचिंग कॉटन लाइनन वुड पल्प ब्लीचिंग वाश क्लोथ इन लॉन्ड्री। ब्लीचिंग का मतलब होता है सीधे सीधे किसी चीज़ का कलर उड़ा देना, कलर उड़ा देना मतलब कलर गायब कर देना। तो इसका उपयोग विशेष करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है, कपड़े बनाने की फैक्ट्रियों में। तो ब्लीचिंग कॉटन देखिए कॉटन का कलर उड़ाने में, लिनन एक कॉटन का ही कपड़ा होता है जिसमें श्रिंकिंग बहुत होती है, जैसे ये शर्ट है ये लिनन का शर्ट है, तो लिनन के कपड़े का कलर उड़ाने के लिए। वुड पल्प लकड़ी को पीस कर उसका पिलपिला आटे जैसा मटेरियल बनाते हैं जिससे पेपर बनता है, उसका भी कलर उड़ाने के लिए। ब्लीचिंग वाश्ड क्लोथ इन लॉन्ड्री, कपड़े धोने की जो फैक्ट्री होती है जो लॉन्ड्री होती है उसमें धुले हुए कपड़े का कलर उड़ाने के लिए, धुले हुए कपड़े का कलर उड़ा देते हैं फिर उसमें मनचाहा कलर डाल देते हैं। नेक्स्ट है स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टी जर्मिसाइडल होती है, जर्म्स को मारने की प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए पीने के पानी में ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं उसको शुद्ध करने के लिए। आपने देखा होगा कुओं में या घरों के ऊपर जो वाटर टैंक लगे रहते हैं उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। रेंडरिंग ऊल अनश्रिंकेबल, ऊलन क्लॉथ जो होते हैं ऊल में सिकुड़न ना आए ऊन में, उसके लिए हम उसको ब्लीचिंग पाउडर से ट्रीट करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर से ट्रीट करने पर उसमें श्रिंकिंग नहीं आती, ऊन सिकुड़ता नहीं है। मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है जिसका उपयोग एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है, ANESTH एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का मतलब होता है निश्चेतक, जो किसी चीज़ को निश्चित कर दे या बेहोश कर दे, तो ये बेहोश करने के काम में आने वाला केमिकल है। प्राचीन काल में जब सर्जरी की जाती थी तो इसी से यही एनेस्थेसिया के रूप में बेहोश करने के लिए उपयोग किया जाता था। जैसे जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट में साइंस डेवलप हुआ तो इसका उपयोग अब नहीं होता क्योंकि ये घातक होता है। नेक्स्ट है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लैबोरेटरी, लैब में किसी केमिकल को ऑक्सीडाइज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि ये नेसेंट क्लोरीन जनरेट करता है और जो क्लोरीन है वो किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज करने के लिए काम आती है। अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ब्लीचिंग पाउडर से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ इज क्लोराइड ऑफ लाइम, क्लोराइड ऑफ लाइम का मतलब ब्लीचिंग पाउडर, हमने आपको पहले बताया था इसे क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। तो हाउ इज क्लोराइड ऑफ लाइम इज डिफरेंट फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम क्लोराइड से केमिकली किस तरह से डिफरेंट है तो हम कैसे करेंगे इसको देखिए। क्लोराइड ऑफ लाइम इसका फार्मूला होता है CaOCl2, या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं CaClOCl, और कैल्शियम क्लोराइड को अगर हम लिखेंगे तो कैल्शियम की वैलेंसी होती +2, क्लोराइड की वैलेंसी होती -1, तो इसका फार्मूला अगर हम बनाएंगे तो ये होगा CaCl2। तो पहला क्वेश्चन ये है जो हाउ इज क्लोराइड ऑफ लाइम इज डिफरेंट फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड केमिकली, तो ब्लीचिंग पाउडर या लाइम ऑफ क्लोराइड ऑफ लाइम ये हमारा CaOCl2 या CaClOCl, जबकि हमारा कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2। इसी में नेक्स्ट है व्हाई डज क्लोराइड ऑफ लाइम यानी कि ब्लीचिंग पाउडर ग्रेजुअली लूज इट्स क्लोरीन व्हेन केप्ट एक्सपोज टू एयर, जब ये एयर में रखा जाता है तो ये क्लोरीन क्यों लूज करता है। तो ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2
जब हम इसको एयर में एक्सपोज करके रख देते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी पाई जाती है। तो ब्लीचिंग पाउडर इस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस। तो यही क्लोरीन गैस यहाँ से रिलीज होती है। तो इसका आंसर है व्हाई डज क्लोराइड ऑफ लाइम ग्रेजुअली लूजेज इट्स क्लोरीन व्हेन केप्ट एक्सपोज टू एयर। तो एयर में रखने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और क्लोरीन रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू। ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लीचिंग पाउडर जो है, ब्लीचिंग पाउडर की ब्लीचिंग प्रॉपर्टी किस कारण से होती है? तो ब्लीचिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कलर उड़ाकर उसे कलर लेस कर देना। मान लीजिए हमारे पास कोई है कलरफुल मटेरियल, अब इसकी हमने ब्लीचिंग किया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कलरलेस। ब्लीचिंग का मतलब होता है किसी कलरफुल मटेरियल को कलरलेस में बदलना। अब पूछ रहा है ब्लीचिंग पाउडर की जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी वो किसके कारण होती है? तो ब्लीचिंग पाउडर की जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है वो होती है ऑक्सीडेशन के कारण। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन के कारण होती है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन पहली बात। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये परमानेंट होता है। परमानेंट का मतलब एक बार अगर आपने ब्लीचिंग पाउडर से ब्लीचिंग करके कलर उड़ा दिया तो वो कलर पुनः रिगेन नहीं होगा। कलर डज नॉट रिगेन। तो एक बार अगर कलर आपने उड़ा दिया तो वो कलरलेस से फिर कलरफुल नहीं बनेगा, मतलब वो परमानेंट होता है और ऑक्सीडेशन के कारण होता है। तो रिएक्शन कैसे होता है? जैसे हमने ब्लीचिंग पाउडर है, ये जनरेट करता है क्लोरीन गैस, ये क्लोरीन रिलीज करता है। और ये क्लोरीन जब हम कपड़े में डालते हैं तो चूंकि पानी से भीगा रहता है तो ये क्लोरीन जो है वाटर से रिएक्शन करके बनाता है HCl और ऑक्सीजन। देखिए 2HCl प्लस ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में जनरेट हुआ इसे हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब नवजात ऑक्सीजन, तुरंत पैदा हुआ ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है किससे रिएक्शन करेगा? कलरफुल क्लॉथ से ये रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन और इसको बना देगा कलरलेस। और ये देखिए ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीडेशन करेगा और इसको बना देगा कलरलेस। तो इसीलिए ब्लीचिंग जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और ये ऑक्सीडेशन जो है परमानेंट होता है। एक बार कलरलेस हो गया फिर इस कलर को रीगेन नहीं किया जा सकता। ऐसा होता क्यों है? कलरफुल क्लॉथ जो है डाई से बने होते हैं, कोई भी कलर डाई का बना होता है, डाई। और ये डाई जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन और इसका कलर हो जाता है गायब और ये हो जाता है कलरलेस। तो यही है ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा जो ब्लीचिंग होती है वो ऑक्सीडेशन के कारण होती है और ये परमानेंट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन।